गांधी कांग्रेस की महासचिव काफी दिन पहले बन गई थी। लखनऊ में रोड शो भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई थी, मगर नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब तक उनका कोई राजनीतिक भाषण नहीं हुआ था। तो 12 मार्च को वो भी हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी। इसके बाद गांधीनगर में रैली, जहां प्रियंका गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही देशभक्ति का नया मंत्र दिया। वो बोली, जागरूकता से बड़ी कोई देशभक्ति नहीं। और क्या क्या कहा जान लीजिए। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती, आपसे दो शब्द कहती हूँ जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूँ, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहां इतनी तादाद में आए हैं, मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं, और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।